सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए सीए कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज मैं बात करने वाला हूं अपने छोटे भाइयों से, अपने दोस्तों से। और सर, बात होने वाली है सीए आईपीसीसी और सीए इंटर वाले स्टूडेंट से। स्पेसिफिकली, टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं उन बच्चों से बातचीत करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी मई 2018 में अपने एग्ज़ाम्स दिए थे। जी हाँ, जिन्होंने मई 2018 में अपने एग्ज़ाम्स दिए थे। और वो एग्ज़ाम्स थे किसके लिए सर? आपके ग्रुप वन के, राइट। तो सबसे पहले बिल्कुल एकदम तय कर लेते हैं कि वीडियो कौन आगे देखे। वो बच्चे जिन्होंने अपने ग्रुप वन के एग्ज़ाम्स दिए थे मई 2018 में और अब उन्होंने अपने ग्रुप टू की प्रिपरेशंस जो हैं शुरू कर रखी है, कोचिंग्स वगैरह उन्होंने शुरू कर दी हैं ग्रुप टू की, वो बच्चे इस वीडियो को आगे देखें। और अगर आप नहीं हैं और आपके किसी दोस्त के सर हालात ऐसे हैं, वो इस सिचुएशन में हैं, तो उसको ये वीडियो आगे देखने दीजिए, राइट। मतलब शेयर कीजिए उसके साथ। सो अब आते हैं सर मुद्दे पे। मेरे पास जो डाउट्स आते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और आपको भी कोई चीज़ पूछनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ हो सका मेरे लायक, अगर मैं कुछ कर सका तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सर अब क्या करें, हमने ग्रुप वन के एग्ज़ाम्स दिए थे और हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हमारा क्लियर होगा या क्लियर नहीं होगा। तो हमें प्लीज़ गाइड करें कि अगर क्लियर हो गया तो क्या, अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या। ओके, सो मैं सबसे पहले उन बच्चों से बात करता हूँ जो कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जिन्हें सर ऐसी उम्मीद है कि भाई ग्रुप वन तो दोबारा देना पड़ेगा, राइट। तो वो बच्चे क्या करें, वो इस समय तड़प रहे हैं। कभी ग्रुप वन की किताब उठाते हैं, कभी ग्रुप टू की कोचिंग की बुक्स उठा लेते हैं, कभी कोचिंग में ध्यान लगा रहे हैं, कभी सोच रहे हैं सेल्फ स्टडी कर लेते हैं ग्रुप वन की। पहले तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप में से किसी के साथ ये हो रहा है, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये डाउट आ रहा है। ओके, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ गाइस। आपने अब सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वन पे ध्यान लगाना है, ग्रुप टू पे ध्यान लगाना है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, सिर्फ ग्रुप टू पे ध्यान लगाइए अभी के लिए। जो कोचिंग आपकी चल रही है ऑडिट की, EISSM की, या आपके अकाउंट्स की, या FMECO की, जो भी कोचिंग्स आपकी चल रही है, पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए उन पे। रोज़ का काम रोज़ रखिए। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे घर पे आके रिवाइज करते रहिए, रिपीट करते रहिए। और आप कम से कम अब वो समय मत खो जो आपने पहले खोया था, जो पहले आपने गलतियां करी थी वो मत करो। अब मान लेते हैं सर रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट की डेट मैं अनाउंस कर दूंगा जल्दी से ही, ऑल्दो मुझे पता चल गई बट मैं और से कन्फर्म कर रहा हूँ। मान लेते हैं सर आपका रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट आने के बाद आपने देखा कि आपका ग्रुप वन रह गया, क्योंकि आपको पहले से पता है, आपको अंदर से पता है सर आपके पेपर कैसे हुए, आपने पढ़ाई नहीं करी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब क्या करोगे? बहुत सिंपल है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी भी ग्रुप टू पे ही कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे क्योंकि ग्रुप टू अभी हमारे हाथ में फ्रेश है। ग्रुप वन का गुस्सा भी ग्रुप टू पे ही निकालेंगे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपके ग्रुप टू की जितनी भी क्लासेस हैं, कोई एक आध रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मोटी मोटी अकाउंट्स हो गया, ऑडिटिंग हो गया, FMECO हो गया, वो मैक्सिमम 31 अगस्त तक रैप अप हो जाएंगी मैक्सिमम, राइट। सो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप 31 अगस्त तक तो सर सारी कोचिंग पे ध्यान देते रहिएगा। एक गलती बिल्कुल मत करिएगा कि रिजल्ट नेगेटिव हो गया तो मैं कोचिंग जाना छोड़ देता हूँ, मैं फिर से ग्रुप वन तैयार करता हूँ। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, एक विशियस सर्कल में आप लोग फंस जाओगे। एक सिंपल सरल एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, जो समझना समझ लीजिए वो दे रहा हूँ, ग्रुप टू पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और भाई आगे बढ़ते चलिए, अपनी कोचिंग को छोड़िएगा मत। 31 अगस्त जब भी आपकी कोचिंग कंप्लीट हो रही है तब तक आपने ग्रुप वन को हाथ नहीं लगाने का है, आपने सिर्फ ग्रुप टू पे कॉन्सेंट्रेट करने का है। जिस दिन कोचिंग कंप्लीट हो जाए उस दिन असेसमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को सर बहुत ध्यान से देखिएगा पूरा, उस दिन असेसमेंट कीजिएगा कि साहब आप लोगों के अब हाथ में कितने दिन बचे हुए हैं, क्या आप इस बचे हुए दिन में बोध ग्रुप निकाल सकते हो, क्या आप इस बचे हुए दिन में बोध ग्रुप को पढ़ के उसको अच्छे से 4-5 बार रिवाइज करके आगे बढ़ सकते हो। अगर इसका जवाब ना आ रहा है, तो मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, आपने अब ग्रुप वन नहीं देना है और सिर्फ ग्रुप टू देना है। प्लीज़ यार, ये सब बातें देखो, जितने लोग उतनी बातें, जितने मुँह उतनी बातें।
मेरी आपसे बहुत सारी चीज़ें मैं बोलने का मन करता है, एक बात मैं अभी बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, रिक्वेस्ट है, फालतू के सारे टेलीग्राम ग्रुप्स एग्जिट करो अभी जाके, फालतू के सारे यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब करो अभी जाके, फालतू के सारे फेसबुक ग्रुप्स जो सी ए से रिलेटेड हैं एग्जिट करो अभी जाके। ये रिक्वेस्ट मैंने बीच में क्यों करी, क्योंकि होता क्या है कि सर हर जगह से गाइडेंस मिल रही है, हर कोई नोट्स ये वो फलाना ढिमाका, एक मेंटोर चूज़ करो और बस उसके साथ टिके रहो। अगर आपका मेंटोर सर आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ दे रहा है तो बस उसके साथ टिके रहो, राइट। यूनिटी ऑफ कमांड हम बचपन पढ़ते थे। एनीवेज मुद्दे पे आते हैं। सो अब बात ये है कि भाई आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग सर जब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाए तब आप असेस कीजिएगा कि कितना समय बचा है, और उस समय के हिसाब से सर आप देखिएगा कि मैं अब बोध ग्रुप कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ सेकेंड ग्रुप के एग्ज़ाम पहले दें, कोई बम नहीं फूट रहा। अदरवाइज क्या होगा, आप दोनों ग्रुप को पकड़ने के चक्कर में सर सेकंड भी छूटेगा, फर्स्ट भी छूटेगा, ये विशेष सर्कल फिर शुरू हो जाएगा। मैं ये चाहूँगा कि आप सर ग्रुप टू के एग्जाम्स दें नवंबर 2018 में अच्छे से, और उसके बाद आप लोग सर जैसे ही नवंबर के एग्जाम्स खत्म हो मस्ती मारने की जगह ग्रुप वन की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब सर्टन है कि मई 2019 में आपको ग्रुप वन के एग्जाम्स देने ही देने हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि अभी ग्रुप टू की कोचिंग चल रही है और बीच में कोचिंग छोड़ के आप लोग सर ग्रुप वन के ऊपर जंप कर जाओ, और यहाँ पे सर ग्रुप टू की कोचिंग भी बर्बाद हुई, ग्रुप टू में जितना समय दिया वो भी बर्बाद हुआ, और अब आपने ग्रुप वन पकड़ लिया जिसके एग्जाम आप नवंबर 2018 में दे रहे हैं, और फिर आप ग्रुप टू के लिए तो दोबारा से कोचिंग लेंगे या फिर सर आपको अपने आप स्टडी करके वो कवर करना पड़ेगा। मेरा सजेशन, गोल, पंच लाइन, बॉटम लाइन सर यही है, प्लीज़ गाइज डोंट मिक्स इट अप। अभी जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, जो कोचिंग जा रहे हो जाते रहो, और भाई उसके बाद भी आप सिर्फ उसी ग्रुप पे कॉन्सेंट्रेट करें। पहले उसे एक बार कोचिंग खत्म होने दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर देखिए कि आप दो ग्रुप के लायक हैं भी या नहीं। आपका दोस्त बोध ग्रुप दे रहा है, अजी आग लगे उसको, आपका पड़ोसी बोध ग्रुप दे रहा है, नाले में गिरे आपका पड़ोसी। आपको अपना देखना है, आपको अपना डिसीजन अपनी एबिलिटीज़ और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है, ना कि किसी और के हिसाब से। उसे करेला पसंद है, तुम थोड़ी ना करेला खा जाओगे कच्चा कच्चे, राइट। आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ आई, राइट। अच्छा, ग्रुप टू में से हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आप लोगों की, ऑडिटिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, EIS, बहुत सारी सर हमारी वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। नहीं तो सिंपली आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने वेबसाइट बनाई है edu91.org, www.edu91.org, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ रिसोर्सेज मिल सकते हैं जिन्हें सर आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। पढ़ाई कैसे करनी, हाउ टू स्टडी, इसके लिए भी सर मैंने कंप्लीट कोर्स बना दिया है, हाउ टू स्टडी फॉर सी एग्जाम्स, एंड 3000 बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाओ www.edu91.org पे जाके आपको वो कोर्स मिल जाएगा, राइट गाइज। आई होप मेरा मैसेज जो है कम्प्लीटली कन्वे हो चुका है आप तक, और प्लीज़ इस बार सर वो गलती ना करें जो आपने ग्रुप वन के टाइम पे ग्रुप वन की कोचिंग्स में करी। अब सर हम लोग पूरी पूरी पढ़ाई करेंगे और अच्छे से मेहनत करके अपने पापों का प्राश्चित करेंगे। और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वो जो लाल वाला बटन है सर उसको गलियां पालो और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को दीजिए एक बढ़िया सा थम्स अप, सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।